नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लोजपा से सांसद प्रिंस राज आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और आशीर्वाद यात्रा के दौरान लगातार चिराग पासवान यह बात कर रहे हैं कि परिवार ने उन्हें धोखा दिया लेकिन जनता का साथ उन्हें मिल रहा है, इसको लेकर प्रिंस राज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको परिवार ने धोखा नहीं दिया है, उन्होंने जो किया उनके रवैये के कारण इस तरीके का परिणाम वो भुगत रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर उन्होंने यह भी कहा है कि उनको मंथन करने की ज़रूरत है जो गलतियां उन्होंने की है। पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं कि प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा। अब वो सभी स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, अब वो अपने आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उनका कहना है कि परिवार ने धोखा दिया, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिहार परिवार ने धोखा दिया, बिहार की जनता का आशीर्वाद देने के लिए किसी ने धोखा नहीं दिया उन्हें। उनके जो उनका रवैया था उसका ये परिणाम है और उनको मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो मंथन करेंगे उनको साफ पता चल जाएगा। बिहार की जनता का साथ मिलेगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है उनकी सभा में, बिहार की जनता उनका समर्थन कर रहा है। जी जी, प्रदेश अध्यक्ष बना, पहली बार सर पहुंचे हैं सर पूरे घटना के बाद? सर नहीं, पहली बार नहीं, इसके पूर्व में भी हम पहुंचे थे, हम अपने क्षेत्र गए थे। इस बार भी हमारा जो बिहार का दौरा लगा है, हम अपने कल क्षेत्र जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे। कितने दिन के दौरे पे सर आज आए? कल भी है, वीकेंड्स में यहाँ पे है, सदन खुला हुआ है तो सोमवार को हमें वापस भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से सर एक सवाल और है सर, संसद नहीं चल पा रही है फोन टैपिंग के विषय पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, आपका सर क्या मानना है? सर लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए फोन टैपिंग पे तो इस पे बहुत अच्छा जवाब हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पे दिया था। अब रही बात सदन नहीं चलने की, तो विपक्ष को संवाद करना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन को चलने देना चाहिए ताकि जो जनहित में जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान निकाला जा सके और सरकार को भी मौका दें वो जवाब देने का। इसमें विपक्ष को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आपको? जी, लोजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? जी जी। क्या कार्य करेंगे? देखिए, पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामदास पासवान जी, हमारे स्वर्गीय पिताजी रामचंद्र पासवान जी का जो उनका आइडियोलॉजी था, उनका जो सपना था, जो उनका जो उनको जो जिस पथ पर वो चलते थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे और गरीब शोषित दलित पिछड़ा इन सब के लिए आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। सर एक सवाल, आखिरी सवाल और है सर, जातिगत जनगणना पे नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में जरूरत है जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको अभी उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं से जुड़ना होगा। देखिए, अब गरीब के लिए जितना भी जो भी चित्र चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरीके के भी प्रयास किए जा सकते हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए वो करना चाहिए। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं सर? देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे कि इसमें इस विषय के बारे में उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि गरीबों के लिए जो भी कुछ किया जाए, उनके हित में जो भी कुछ निर्णय लिया जाए वो लिया जाना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रिंस राज ने चिराग पासवान को यह सलाह दिया है कि उनको मंथन करने की ज़रूरत है, उनका जो रवैया था उसी के कारण वो आज ये दिन भुगत रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।